वेलकम टू गुपर चुपर, आई एम डॉक्टर स्तुति। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोमोज की रेसिपी, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए लेके आए हैं पिज्जा के ट्विस्ट के साथ मोमोज की रेसिपी। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है पिज्जा मोमोज। पिज्जा मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक पैन में बटर ले लेंगे, इसमें एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसको हम अच्छे से चला लेंगे। प्याज के ट्रांसल्यूसेंट होने तक हम इसको सॉटे करेंगे। प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है, अब हम इसमें हाफ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसको भी हम एक से दो मिनट तक भून लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। नमक को मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसको ढक करके 3 से 4 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से कुक हो गई है, तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम मोमोज के ऊपर की जो मैदे की कवरिंग होती है उसके लिए हम डो रेडी करेंगे। मोमोज की कवरिंग बनाने के लिए जो मैदे का डो रेडी करना है उसके लिए हम एक बाउल में 1 कप मैदा ले लेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। हमने मैदे का सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है, अब हम इसे साइड रख देंगे और स्टफिंग कंप्लीट करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सेजवान सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे, क्रश्ड काली मिर्च डालेंगे, पिज्जा सीजनिंग डालेंगे, ग्रेटेड चीज डाल देंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमने प्याज और शिमला मिर्च को कुक करते समय सॉल्ट डाला था और बाकी जो हमने सॉस वगैरह डाली है, चीज डाली है, वो ऑलरेडी सॉल्टी होती हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि सॉल्ट कम है तो आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर सकते हैं। हमारी स्टफिंग भी रेडी है, अब हम मोमोज बनाएंगे। हमने मैदे की एक छोटी लोई ले ली है, इसको थोड़ा सा सूखे मैदे से डस्ट कर लेंगे और इसको हम एकदम पतला, जितना पतला आपसे हो सके उतना पतला बेल लेंगे। देखिए, हमने इसको एकदम पतला बेल लिया है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग बहुत ज्यादा नहीं भरनी है, इस बात का ध्यान देना है। अब हम इसे चिपकाएंगे, तो उसके लिए हम इसको फोल्ड करते हुए बंद करना शुरू करेंगे। ये देखिए, हमें इसको इस तरह से चिपका लेना है और हमारा एक मोमो बन के रेडी है। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। हमने मोमोज को बना लिया है, अब हम इन्हें स्टीम में कुक करेंगे। उसके लिए हमने स्टीमर रेडी कर लिया है। अब हम ढोकला स्टैंड की प्लेट ले लेंगे, इसको रख देंगे। इसको हमने ऑयल से ग्रीसिंग कर लिया है ताकि मोमोज चिपके नहीं। अब हम इसमें मोमोज को रख देंगे।
और अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच में कुक होने के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट हो चुके हैं और देखिए मोमोज बनके पूरी तरह रेडी हैं। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे पिज्जा मोमोज बनकर के रेडी हैं। तो आप भी इसी तरह लीजिए मोमोज का मजा, वो भी पिज्जा के ट्विस्ट में। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।